देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज हिंदी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज। खबर लखीसराय जिले से है, जहां कृष्णा सेवा सदन में हुए चानन इटौन पंचायत के मुखिया बबीता देवी का मामला कैसे हुआ ये बताने जा रहा हूं। डॉक्टर सबसे पहले मुखिया पति से बोलता रहा, रुकिए आधा घंटा, परेशान मत होइए। फिर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकालकर कहा, इनका पैर दबाइए, हाथ दबाइए, और मुखिया की मौत हो गई। आखिर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकालकर कंपाउंडर के भरोसे बिना किसी अन्य सुविधा के क्यों डॉक्टर ने ऐसा काम किया, जिससे मुखिया बबीता देवी की मौत हो गई। खुद सुनिए मुखिया पति उमेश पासवान की, जिसे उन्होंने जिला अध्यक्ष को सुनाने का काम किया है। हम पहले में क्योंकि 15 मिनट कहते हैं तो आधा घंटा पूरा घंटा रुक दिए, 10 मिनट कहते हैं फिर आधा घंटा रुक दिए, ऐसे करके 6:10 मिनट में हमको निकाले। जब निकाले ना तो पूरा छत पर में थी, फिर बोला हम लोग 4-5 आदमी थे, बोला कि कोई हाथ दाबिए कोई पैर दाबिए, ऐसे दाबे रहे 10 मिनट के बाद जो है मान लिया उसको। फिर डॉक्टर साहब कहते हैं चलिए चलिए ट्यूमर में, वो सब जो कंप्यूटर है जिसको जानकारी नहीं है क्या लगा रहा है नहीं लगा रहा है उसको पता है नहीं, चैम्बर में चल गया आराम कर लेते। जब उस ढंग के होने लगा बोले डॉक्टर सर ये तो रोगी मैंने परेशानी है, तो आए अरे फलना मशीन लगाया वो नहीं लगाया, बस ऐसे करने लगे वहाँ। फिर इसको दवाए उसको क्या है चल बकाए भी नहीं। हाँ बकाहट पूरा था, छटपटाहट था, बाहर निकल दिए। वो ऑपरेशन भी किए तो उसको आई सी यू कुछ दिन रहना चाहिए, रखना चाहिए, वो बाहर निकाल दिए सीधा। नहीं जनरल भी देखते हैं ना, एक दिन रखता है वो तीन मशीन का शीशा सब कुछ लगा कर रखा, जब नॉर्मल होता है तब रूम में भेजता है, डायरेक्ट बाहर निकाल दिए।